एंड फ्रेंड्स, इसको एशिया का सबसे बड़ा फ्लावर्स मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको पूरे इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कचरा ये देखिए, यही सब चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब लोग ऐसे गंदा करते हैं। फ्रेंड्स, फंक्शन, पूजा, बर्थडे या फनरल का प्रोग्राम या कोई वेडिंग प्रोग्राम या कोई भी घर पे प्रोग्राम हो, सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल व्हाट द फॉक्स। अभी हम लोग हैं, आप जैसा ये देख सकते हैं, हावड़ा ब्रिज के सामने, और अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और हम लोग आप लोगों को आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कोलकाता का सबसे चीपेस्ट फूल मार्केट, और जी सबसे बड़ा और सबसे चीपेस्ट फूल मार्केट कोलकाता का हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो में बने रहिए, और नए दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए वीडियो को शुरू कर लें। सो गाइस, सिंपली आपको हावड़ा ब्रिज आना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हावड़ा आके, हावड़ा ब्रिज से सीधा आपको स्ट्रेट जाना है, थोड़ा सा ही चल के आपको जाना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ब्रिज के नीचे सारे लोग जैसे खड़े हैं, यहाँ पे ब्रिज के नीचे ही आपको मार्केट मिल जाएगा। तो आपको सीधा सिंपली जाना है, और यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से एक सीढ़ी मिल जाएगा उतरने के लिए, और यहाँ से आप बाज़ार के नीचे उतर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो बाज़ार आप देख रहे हैं, तकरीबन 150 साल से भी ज़्यादा इसका उम्र हो चुका है, मतलब 150 साल से यहीं पे है ये बाज़ार, और ये बाज़ार तकरीबन 1855 में जो है यहाँ पर बनाया गया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज में बना था ये। एंड फ्रेंड्स, इसको एशिया का सबसे बड़ा फ्लावर्स मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको पूरे इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे तकरीबन हर किस्म का फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाएगा, और बहुत ही सस्ते दाम पे। साथ ही साथ मैं बता दूँ, यहाँ पे पूरे कोलकाता में, पूरे वेस्ट बंगाल में इसी जगह से पूरा फ्लावर्स ट्रांसपोर्ट होता है, और कोलकाता के किसी भी एरिया से यहाँ पे आप आ सकते हैं, बस अवेलेबल है। एंड फ्रेंड्स, ये मार्केट जो है ये रोज़ाना खुला रहता है, सुबह के 5 बजे से ये ओपन हो जाता है, रात तक, कभी कभी रात तक भी ओपन रहता है, हालांकि शाम तक क्लोज होने की कोशिश की जाती है यहाँ से जल्द से जल्द, लेकिन कभी कभी जो है रात तक भी ये मार्केट ओपन रहता है। और देख सकते हैं आप कितना बढ़िया बढ़िया फूल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए रंग बिरंगे फूल्स, और बहुत सारे होलसेलर्स यहाँ पर है जो हाथ में लेकर भी कुछ बिक्री करते हैं, कुछ दुकान भी है, इसके अंदर में भी कुछ दुकान है, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के आगे। ये देखिए गुलाब फूल, फ्रेंड्स, फंक्शन, पूजा, बर्थडे या फनरल का प्रोग्राम या कोई वेडिंग प्रोग्राम या कोई भी घर पे प्रोग्राम हो, यहाँ पे आपको हर तरह के और हर प्रोग्राम के लिए फूल यहाँ पे मिल जाएंगे। और कोलकाता में मोस्टली जितने बड़े बड़े भी प्रोग्राम्स होते हैं, फूल्स यहीं से ही, फ्लावर्स यहीं से ही सारे लोग लेकर के जाते हैं। और इस बाज़ार का एक दूसरा नाम भी है, इसको मलिक घाट भी बोला जाता है, क्योंकि यह बाज़ार जो है हुगली रिवर के बिल्कुल एकदम साइड पर ही बनाया गया है, जो कि एक घाट है, इसीलिए इसको मलिक घाट के नाम से भी जाना जाता है। एंड फ्रेंड्स, ये मार्केट जो है राममोहन मलिक ने बनाया था 1855 में, अपने फादर निमाई चरण की याद। एंड गाइस, यहाँ पे आप ऑर्डर दे के भी अपने हिसाब से भी बनवा सकते हैं, अगर आपके घर पे कोई शादी का फंक्शन है तो उस हिसाब से आप ऑर्डर दे के भी बनवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ डिज़ाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें थोड़ा प्यास लगा था, सूखे सुबह का वक्त था, तो हमने सोचा चले थोड़ा कोकोनट वाटर पी लेते हैं, तो यहाँ पे 2 कोकोनट वाटर हम लोगों ने लिया,
जो कि 30 रुपये करके था एक पीस। हाँ पतला वाला दे, ये वाला दे, ये दे। फ्रेंड्स चूँकि मैं और मेरा फ्रेंड्स यहाँ पे आए थे, तकरीबन हम सुबह 5 बजे उठे और फटाफट यहाँ पे आ गए। और ये देख सकते हैं यहाँ पे गुलाब फूल कितने बढ़िया बढ़िया आपको दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टोकरी में लेके बैठने के अलावा यहाँ पे लोग हाथ में भी लेकर, ये देखिए हाथ में भी लेकर बेचते हैं। और यहाँ पे कुछ ये देख सकते हैं ये फूल। फैक्ट की बात बताऊँ तो दोस्तों ये बाज़ार जो है, ये मार्केट जो है, ये सिर्फ नेशनल लेवल पे ट्रांसपोर्ट नहीं करता फ्लावर्स को, बल्कि इंटरनेशनल लेवल, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भी ये ट्रांसपोर्ट है, जो है एक्सपोर्ट होता है ये सारा। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे बाज़ार में ना आपको सबसे ज़्यादा ये पीला वाला गेंदा फूल देखने को मिलेगा, जो कि आपको जगह जगह पे माला की शक्ल में भी दिखेगा और अलग से भी आपको। और ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग लेके भी ऐसे घूम के बेचते हैं। और तकरीबन बहुत सारे होलसेलर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कुछ बाहर। और ये देखिए, ये अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। इतनी देर से मैंने आपको बाहर का दिखाया, अब जो फिक्स्ड स्टोर के टाइप में आपको दुकान दिखेगा, ये देखिए ये सारा स्टोर है, जो कि यहाँ पे परमानेंट स्टोर है। यहाँ पे आपको बहुत सारा बुके वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पे ये आप बुके देख सकते हैं, जो कि हर किस्म का, बड़ा छोटा हर किस्म का आपको दिख जाएगा। यहाँ आप ऑर्डर दे करके भी बनवा सकते हैं, अगर आपको शादी का कोई फंक्शन है घर पे, या कोई भी आपको बहुत ज़्यादा फूल का ऑर्डर है तो आप यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छा अच्छा किस्म का मिल जाएगा फूल, और बहुत ही सस्ते दाम पे मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे ये अंदर का बाज़ार कुछ इस टाइप का दिखता है। फ्रेंड्स मार्केट के अंदरूनी हिस्से में भी आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे होलसेलर दिख जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ ज़मीन पे बैठे हुए लेकर, यहाँ पे ये देखिए थोड़ा यूनिक यूनिक किस्म का आपको यहाँ पे फ्लावर्स दिख जाएगा, ये देख सकते हैं आप। ये तो रहा अंदरूनी मार्केट, अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको हुगली साइड, मतलब नदी का किनारा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हम लोग निकल गए बिल्कुल दरिया के पास। ये देखिए ये है एक्चुअल मार्केट जहाँ पे बनाया गया है, ये दरिया के किनारे, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा गंदा कर दिया गया है बहुत ज़्यादा ही, देखिए ये सब चीज़ गंदी, थोड़ी कचड़ी, बहुत ज़्यादा कचड़ा है। ये देखिए यही सब चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब लोग ऐसे गंदा करते हैं रिवर को। खैर फ्रेंड आप अपने आसपास सफाई ज़रूर बनाए रखें, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।